पप्पू पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पप्पू पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधायक पप्पू पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पप्पू पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब कुछ बोल लीजिए स्पीच। चलो हो गया। इसको पांच लोग फोटो से लगाओ सामने से। यहाँ से तमाम और तमाम भाइयों और बहनों, तमाम साथियों, मैं बता दूं कि आज जो ये आक्रोश रैली निकली है, ये आक्रोश रैली बढ़ते अपराध के खिलाफ, बच्चों पर अत्याचार के खिलाफ ये रैली है। और ये रैली खगड़िया की धरती पर आपका सहनाई बाजार से लेके आप ये तब्दील हुआ है राजेंद्र चौक पर। और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम इसको जो विधायक है अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनकी गिरफ्तारी के उद्देश्य से साथ ही साथ बढ़ते अपराध के खिलाफ हम अपनी संज्ञान में सरकार ले, इसके खिलाफ हमने इसका पुतला दहन किया हो। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग के वरिष्ठ समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार जायसवाल जी से रक्तदान विधायक जो गोपालगंज जिले के हैं, उनके द्वारा 50 लाख रुपया रक्तदारी एवं अगर नहीं दिया जाएगा तो उसको जान से मारने की धमकी दिया गया। लगातार पूरा परिवार हाथ पैर जोड़ के प्रयास किया कि नहीं हमको पकड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने और विधायक कोठी पर बुला के उनको 2 दिन का मोहलत दिया गया। अपने विवश होकर यह हुआ कि नहीं हम अब एफ आई आर करेंगे और शास्त्री नगर थाना में एफ आई आर हुआ पटना में। कहने का मतलब साफ है कि बढ़ता अपराध और बनिया अपराध पर जो अपराध हो रहा है, बच्चों पर जो अपहरण हो रहा है, इस मुद्दे पर हम बिहार के 3800 जिलों में धरना के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से और आक्रोश रैली के माध्यम से हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और मांग शासन और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब अंधार विधायक को गिरफ्तार करें। साथ ही साथ तो बता दो बिहार में बेगूसराय जिले में स्वर्ण व्यवसायी गोपाल कुमार का निर्मम हत्या हो गया, मुजफ्फरपुर में गुप्ता सभी गुप्ता का अपहरण हो गया, महुआ में सब गुप्ता का अपहरण हो गया। बिहार में पूरे ये स्थिति है कि पैसों पर पूरा अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग आक्रोश रैली के माध्यम से और गंगार विधायक का पुतला दहन किए हैं। आप लोग भी इस करवा लिया बढ़ती घटना के खिलाफ आप भी हम लोग के साथ हैं। हम समुदाय से भी आग्रह करेंगे कि आप आगे बढ़ के आगे बढ़े और ये जो घटना हो रही है बिहार का जो सुन गया है उसके खिलाफ आप संकटार कीजिए। और हम लोग आपके माध्यम से ये मांग कर रहे हैं बिहार शासन में से और शासन प्रशासन से, क्योंकि रंगदार विधायक को विलंब निलंबित करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक खगड़िया की धरती पर आपका संजोग है, आपका सद्भाव मिलना चाहिए, आपका प्रभाव मिलना चाहिए। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया की जनता और जय वैश्य समाज। और हम अगले सप्ताह के रूप में खगड़िया जिला के उपाध्यक्ष वैश्य समाज के सदस्य जसवाल बाबू से आग्रह करते हैं कि इस पर विचार रखें। दोस्तों, आज वैश्य समाज पर जो घोर अत्याचार हो रहा है, रंगदारी कैसे मनाया जा रहा है, लड़का लड़की का अपहरण हो रहा है, ये कब तक होगा? हम लोगों की सुरक्षा देना चाहिए, वही रंगदारी टेस्ट मांगता है। अब बताइए भाइयों, अब हम लोग क्या करें? आप लोगों के माध्यम से आवाज बुलंद करना चाहते हैं, प्रशासन को भी करना चाहते हैं, जो अन्याय कर रहा है उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और हम लोग सब परिवार एक हो, एक हो, एक हो, इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश का जिंदाबाद।
अब हम अगले बत्तर के रूप में बिहार राज्य का वैश्य समाज का महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मधुवाला जी से आग्रह करते हैं कि दो शब्द रखे मधुवाला जी। हेलो, मैं मधुवाला देवी बिहार प्रदेश के महिला उपाध्यक्ष वैश्य समाज का महिला आप लोगों से विनती करती है कि आप युवा वर्ग इस घोर घिनौने अपराध के विपक्ष में आप लोग भी अपना योगदान दें। पप्पू पांडे के उनके अत्याचार के विरोध में ये रक्त प्रदर्शन रखा गया है। ये प्रदर्शन आज अभी ही नहीं बिहार के अरसिका जिला में ये जागरूक किया जा रहा है ताकि हमारे समाज में जो भी लूटपाट अपहरण और हमारे बच्चों से बलात्कार और तरह तरह से और भी सामाजिक गतिविधियां को रोकने के लिए हमारा व्यस्त समाज उसको रोकने के लिए बहुत तन मन से लगी हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश और तथा खगड़िया जिला के सभी जिलावासियों से आग्रह करते हैं कि इस घिनौने अपराध का विरोध करें। या आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी नहीं होगा। आप लोगों का साथ से ही हमारा समाज और देश सुरक्षित रहेगा। तो आज हमारी बेटी तो कल आपकी बेटी, कल आपके घर है घर रंगदारी, कल हमारे घर रंगदारी की संख्या बढ़ती जाएगी। महासभा का जो संगठन है और वैश्य समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार रंगदारी जो हो रहा है, इसके लेकर के आज हमला दान किया गया है। मित्रों, आज से कुछ दिन पहले अखिलेश जसवाल के यहाँ चंदा मांगने के मुद्दे दो बार पप्पू मांगे गए और 10 लाख 20 लाख चंदा के रूप में लिए और लास्ट बार माना 50 लाख रुपया तुम दो, अगर 50 लाख रुपया तुम नहीं देते हो तो तुमको जान से मार देंगे, अपहरण कर देंगे, तुम्हारे बाल बच्चा को भी अपहरण कराएंगे। इसलिए पूरे बिहार का देश समाज और देश समाज का 56 जातियों के लोग जो व्यवसाय करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार अभी तक नहीं दे रही है, राज्य सरकार अभी तक नहीं दे रही है। देश समाज को लेकर के जो विधायक पप्पू यादव जो गोपालगंज के हैं वो बराबर रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी के बल पर अपना शासन और प्रशासन को मुट्ठी में रख कर करके और देश समाज को पुलंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसी के तत्वाधान में देश एकता देश समाज में एक आक्रोश रैली निकाल करके पुतला दहन कर करके अपना दुख व्यक्त किया है। अगर पप्पू यादव को उसको निलंबित पप्पू पांडे को निलंबित नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, तो देश समाज रोड पर आकर करके चक्का जाम कर देगा और धरना प्रदर्शन कर देगा और पूरे बिहार में व्यवसायियों का जो है वो बंद कर देगा। इसी के साथ ही अपने बक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देश समाज। यहाँ पर बंदे होश में आओ, बंदे होश में आओ, बस बस बस,
फंस हो जाए। अब अनंत कुमार और पप्पू पांडे मुस्तावा पैसे पप्पू पांडे होश में आओ, पप्पू पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पप्पू पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधायक आए पप्पू पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक पप्पू पांडे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।